नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 31 अगस्त के 12 राशि का जो राशिफल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले 31 अगस्त के जो शुभ काल और अशुभ काल होते हैं, जिसे हम विजय मुहूर्त और राहु काल कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो दिनांक 31 अगस्त 2018 के जो शुभ काल या फिर विजय मुहूर्त है, वो है दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 12:51 तक। और उसके बाद जो राहु काल जिसे बोलते हैं, वो है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 तक। और दिनांक 31 अगस्त के दिन चंद्रमा है वो पूरे दिन मेष राशि में रहेगा और शाम 8 तक वो मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण करेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के लगन भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और यह चंद्रमा भाग्य भाव में जो शनि स्थित है उसके साथ नव पंचम योग कर रहा है, और पंचम भाव में जो रवि बैठा है उसके साथ ही भी यह चंद्रमा शुभ योग करने जा रहा है। तो इसकी वजह से पिछले करीबन 2-3 दिन से जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी प्रेशर आपके ऊपर आया था, करीबन आप जहाँ पर काम करते हैं उसी के मामले में, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो स्ट्रेस है, वह आज के दिन आपको कम होते हुए नजर आएगा। तो जो आज का दिन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आने वाला है, और यही एनर्जी, यही ऊर्जा कई दिनों तक आपके लिए काम आने वाली है। तो बहुत अच्छा दिन है, आप उसके लिए पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। उसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यय भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा है वह युति योग करेगा। तो थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको लगने वाला है। इसके वजह से थोड़ी बहुत चिड़चिड़ भी आपकी हो सकती है, क्योंकि जो भी काम आपने अपने मन में ठान लिए थे, जो भी प्लान्स आपने किए थे, वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होते ऐसे आपको लगेगा। लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो भी कालावधि है, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये जो स्ट्रेस, ये जो टेंशन रहेगा वो तात्कालिक रहेगा, मतलब थोड़े दिन तक रहेगा, मान लो 1-2 दिन के लिए। उसके बाद आपकी जो मनस्थिति है वो बदलने वाली है। जो भी स्ट्रेस, जो भी चिंता आपको लग रही है वो नॉर्मल होने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का जो मंगल था वो अभी मार्गी होने वाला है। अभी तो फिलहाल वो स्थिर है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वह भी मार्गी होने के बाद आपने जो भी सोचा था वह प्रत्यक्ष रूप में आपको महसूस होगा, आप प्रत्यक्ष रूप में वह देखोगे। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ स्थान से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है, तो आपके लिए भी जो भी आपने काम पिछले 2-3 दिन में किए थे, 3-4 दिन में किए थे, उसका जो लाभ होगा उसके बारे में आपको, उसके जो लाभ है वो लाभ आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसी तरह अगर आप विद्यार्थी हो, तो अगर आप किसी शिक्षा ले रहे हो, तो वहीं से भी आपको कुछ मदद होने के बहुत ज्यादा आसार है। कुछ अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, शेयर्स में अगर बिजनेस में अगर आप देखते हो, तो उससे भी कुछ ऐसे आपके जो अंदाज होंगे वो सही होते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा दिन है मिथुन राशि के लिए, उनके लाभ स्थान से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है। उसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और वही पे स्थित हर्षल से यह चंद्रमा युति योग कर रहा है। तो आपके लिए भी यह जो दिन है 31 अगस्त का, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सिर्फ जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आपका बिजनेस है, वहां पर थोड़ी अनबन होने के चांसेस लग रहे हैं, तो थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं वो आपको महसूस हो सकता है दिनांक 31 अगस्त के दिन। लेकिन वो एक दिन की बात होगी, उसके बाद जो भी है, जो भी कुछ बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। लेकिन उस दिन, मतलब 31 अगस्त के दिन, कुछ ना कुछ तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, थोड़ा बहुत वो आपको स्ट्रेस देंगे या फिर परेशान करेंगे, लेकिन एक ही दिन के लिए। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और भाग्य में स्थित चंद्रमा यह हर्षल के साथ युति योग कर रहा है। आपके लगन भाव में जो रवि है उसके साथ भी यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो आपने देखा होगा करीबन पिछले 7-8 दिनों से आप में कुछ नई उमंग जगी है, कुछ नया कॉन्फिडेंस आप में जागा है। तो वही उमंग, नहीं वही कॉन्फिडेंस और आपके जो प्लान है वो प्रत्यक्ष रूप में होते हुए नजर आएंगे।
मेरे ख्याल से 21 अगस्त का जो दिन है वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ वहाँ भटकने पे मजबूर भी कर सकता है, भटकने से मतलब घूमने से भी मजबूर कर सकता है, जो भी आपने प्लान्स किए हैं उसी के मामले में। तो नए नए प्लान्स आपके मन में आ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, तो इसी वजह से आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मनस्थिति है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा दिन है सिंह राशि के लिए भी। इसके बाद की जो राशि है या वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है। थोड़ा बहुत आप चिंता में रह सकते हैं आपके सेहत को लेकर, लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके षष्ठ भाव का जो मंगल है वो अभी मार्गे हो रहा है, 2-3 दिनों के लिए ही चिंता होगी आपके लिए। थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचोगे और थोड़ा सा डर भी आपके मन में आ सकता है, लेकिन चिंता करने की कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से ग्रह है वो अभी मार्गस्थ होने वाले हैं। तो आप यह जो बातें हैं और थोड़ा जो निगेटिव थिंकिंग है वो अभी बाजू में रखो। आपके मन में अगर कोई भी ऐसा सस्पेक्ट अगर आ जाए, कोई दुविधा अगर आ जाए, तो उसके लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना। सिर्फ एक ही दिन की बात है, एक दिन के बाद आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। और ये जो चिंता रहेगी वो ज्यादा करके आपके घर वालों के जो मेंबर है उनके बारे में थोड़ी रहने के चांसेस लगते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना, ये भी घर का वालों का जो भी मामला चल रहा है करीबन की पिछले 3-4 महीने से, वो भी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद जो प्रॉब्लम है वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसके बाद की जो राशि है यह है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है और सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके जो जीवन साथी रहेंगे या फिर बिजनेस पार्टनर होंगे, उनके तरफ से या फिर उनसे आपके कुछ ना कुछ ऐसे किन्हीं बातों से मतभेद होने के चांसेस है। वैसे भी करीबन लास्ट 2-2.5 महीने से आपके घर में जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे उसी के बारे में कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है, लेकिन अभी ये जो समय है, ये जो बुरा वक्त आपका चल रहा था घर के मामले में, वो अभी करीबन खत्म होने के कगार पे है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, छोटे मोटे बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं लेना। वैसे भी आपकी जो राशि है वो पूरी तरह से कूल एंड कलेक्ट कही जाती है, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये जो टेंशन है वो संभल सकते हैं। तो ज्यादा कुछ ऐसे ज्यादा सोच विचार करने की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आपके लगन भाव से जो गुरु चल रहा है, यह जो गुरु है वह सभी जो टेंशन है वो अच्छी तरह से संभाल पाएगा। उसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के छठे भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और छठे भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी सर्विस में हो, किसी जॉब में हो या ऑफिस में हो, तो आपके हाथ के नीचे जो सबॉर्डिनेट मतलब निम्न स्तर में जो काम करने वाले जो आदमी होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती है, थोड़े झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन या चिंता नहीं करना, वो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ ऐसे सोचने की बात नहीं है। ये जो दिन है करीबन ऐसे ही बातों में गुजरेगा, थोड़ा बहुत आपका जो माइंडसेट मनस्थिति रहेगी वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो खुद को ज्यादा दुविधा में नहीं डालना, ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना, एक ही दिन की बात है, वो जो नॉर्मल है, वो जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और धनु राशि और पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ इसकी युति योग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, अगर आप किसी विद्या ग्रहण कर रहे हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। किसी प्रकार का भी रिस्क नहीं लेना 31 अगस्त के दिन, क्योंकि आपकी जो राशि है वह वैसे भी थोड़ी सी 7.5 में चल रही है और आप थोड़े बहुत इजी मनी के पीछे पड़े हुए हैं, तो उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि ये जो दिन है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकता है 31 अगस्त का दिन। यह अगर आप बाजू में रखोगे तो वैसे आपका जो दिन है वो अच्छा ही जाएगा। इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दो। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना हो तो 1 तारीख के बाद जो डिसीजन है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में वो आप ले सकते हो, लेकिन 31 अगस्त के दिन ऐसी किसी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना। इसके जो बाद की राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि का लगन का जो मंगल है वो अभी मार्गस्थ हो रहा है। तो जो आपका जो स्ट्रेस था, आपका जो चिड़चिड़ापन था, वो पूरी तरह से अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। लेकिन चतुर्थ भाव में जो चंद्रमा चल रहा है वो 31 अगस्त के दिन आपको थोड़ा सा आराम करने पर मजबूर करेगा।
और यहाँ पर चंद्र हर्षल की युति हो रही है, तो घर के किन्हीं व्यक्तियों के कारण आपका जो मूड है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मतलब आप चिड़चिड़ तो नहीं करोगे, लेकिन आपको लगेगा कि जो भी बातें घर पर हो रही है वो कुछ ठीक नहीं है। एक ही दिन की बात है, एक दिन के बाद घर के जो मामले हैं वो सुलझ जाएंगे। आपको भी समझ आएगा कि आपने जो भी सोचा था वो इतना सही नहीं था, इतने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उस दिन में मतलब 31 अगस्त के दिन आपको यह महसूस हो सकता है। उसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है और वहां पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग कर रहा है। अगर आप ऑफिस में हो और डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम है तो उसमें कुछ अड़चन आ सकती है, उसमें कुछ मिस्टेक्स निकल सकते हैं और यह बात आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकती है कि आपने बहुत लगन से, क्योंकि आपकी राशि है वो कोई भी काम बहुत लगन से करती है, पूरी तरह से फोकस होके करती है। लेकिन यह जो दिन है 31 अगस्त का दिन, इस दिन आपको लगेगा कि जो भी आपने काम किए थे उसमें थोड़ी कुछ क्वेरीज निकल के आ गई है, यह होगा। और अगर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहां पर भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। मतलब ट्रैवलिंग के दरमियान जो भी छोटी मोटी बातें होती है उसी दरमियान आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। ओवरऑल 31 अगस्त के दिन आपका जो साइकी रहेगी, आपकी जो मानसिकता रहेगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और वहां पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग कर रहा है। तो घर के मामले में या घर के मामले के बारे में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये जो मामला है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो लोग रहेंगे उनके साथ आपके आर्थिक विषयों पे कुछ मतभेद होने के चांसेस है। हालांकि आपकी जो राशि है वो किसी प्रकार का ज्यादा टेंशन नहीं लेती, लेकिन 31 अगस्त के दिन यह जो कारण है, क्योंकि आपको खुद के लिए खर्चे के लिए जो पैसे आप करते हो या फिर घर के लिए जो पैसा आप देखते हो उसके बारे में थोड़े बहुत आप विचार कर सकते हैं। थोड़े बहुत आपके किसी ना किसी के साथ मतभेद जरूर हो सकते हैं पैसों के मामले में, या फिर घर के किसी व्यक्ति के साथ विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं दिनांक 31 अगस्त का दिन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो सभी बातें वो अच्छी तरह से आप अगर ध्यान में रखो तो ये जो मतभेद है वो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। वैसे भी एक ही दिन की बात है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ये था दिनांक 31 अगस्त के दिन 12 राशियों का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।